अवैध कैटल स्मगलिंग के मामले में सीबीआई जब अनुब्रत मंडल जो बीरभूम प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस के उनको पूछताछ करने की तैयारी कर रही थी उस दिन सुबह जब अनुब्रत मंडल सीधे सीबीआई दफ्तर यानी कोलकाता के निजाम पैलेस पहुंचने वाले थे वहां ना पहुंचकर उनकी गाड़ी एसएसकेएम अस्पताल पहुंच चुकी है फिलहाल। और जैसे आप देख सकते हैं ये दो गाड़ी है जो फिलहाल उडबर्न वार्ड के सामने रखा गया है। आपको बता दें इस दिन सुबह करीब 11:30 बजे अनुब्रत मंडल यहां पर पहुंच गए। हाईकोर्ट ने पहले ही उनकी जो प्ली थी यानी उन्हें वो राहत मांग रहे थे सीबीआई के इस तफ्तीश के सामने वो नहीं जाना चाहते थे उसको खारिज कर दिया था। तो यानी सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उसके सामने आज अनुब्रत मंडल को पहुंचना था और इस सिलसिले में वो पिछली रात कोलकाता पहुंच गए थे बीरभूम से। और सुबह जब वो 10 बजे अपने घर यानी एयरपोर्ट के बगल में जो चिनार पार्क है वहां से सीधे जब बाईपास होकर कोलकाता के निजाम पैलेस के तरफ बढ़ रहे थे लेकिन वहां ना पहुंचकर सरकारी अस्पताल एसएसकेएम पर फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। हमें बताया जा रहा है कि एसएसकेएम के जो सीनियर डॉक्टर्स है फिलहाल उनकी हेल्थ की इंक्वायरी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार अक्सर अनुब्रत मंडल उनके हेल्थ के सिलसिले में एसएसकेएम अस्पताल पहुंचते हैं उनकी जांच यहां पर चलती है उनकी तबीयत की ख्याल यहां से डॉक्टर रखते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि इस मसले के बाद किस तरीके से बंगाल की राजनीति बदलता है। लेकिन जब विरोधी खासकर तमाम मुद्दे हो या चाहे वो कैटल स्मगलिंग हो या फिर अवैध खनन हो इसके साथ साथ जो हाल ही में जो बीरभूम में हुआ यानी रामपुर हाट में और इस तमाम सिलसिले में अनुब्रत मंडल को विरोधियों के तरफ से घेरा जा रहा है। इस बीच सीबीआई के सामने ना पहुंचकर वो इस तरीके से अस्पताल पहुंचते हैं इसके बाद बंगाल की राजनीति किस तरीके से रोचक तरीके से बदलती है वो देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन तापूस बैरी के साथ कोलकाता से ऋतिक आज तक के लिए।